आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ी है। आज की सुबह में हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उसके वचन पर मनन करें, उससे प्रार्थना करें, ताकि हम परमेश्वर में उन आशीषों को पा सकें जो परमेश्वर ने हम सब के लिए रखी है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक भाई ने बताया कि उनके पैर में 25 सालों से एक घाव था, एक गांठ बनी हुई थी, क्योंकि बचपन में उनके पैर पर कोई कांटा चुभ गया था जिस कारण से वहाँ पर एक घाव बन गया और वो गांठ के रूप में वहाँ पर बन गया था, जिस कारण वो परेशान भी रहते थे, उन्हें चलने फिरने में दिक्कत होती थी, बहुत सी परेशानियाँ होती थी। फिर उस भाई ने बताया कि मैं जब से मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, रोज़ सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह ने उस गांठ को, उस घाव को पूर्ण रूप से चंगा कर दिया है। उस भाई ने बताया कि 25 साल से जो घाव बना हुआ था वो कुछ ही समय में प्रार्थना करने के द्वारा गायब हो गया, बिल्कुल ठीक और भला चंगा हो गया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। चाहे कितना भी पुराना घाव क्यों ना हो, चाहे कितनी भी पुरानी परेशानी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी पुरानी बीमारी क्यों ना हो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे तो वो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए आप भी हमारे साथ रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल प्रेयर फॉर ऑल पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ व्यवस्था विवरण उसका 31:8 से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा, ना तो तुझे धोखा देगा ना तुझे छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। आमीन। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और लिखा है कि वो तुझे कभी भी न छोड़ेगा और कभी भी धोखा नहीं देगा। दोस्तों, हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो कभी भी हमें धोखा नहीं देता है, जो कभी भी हमें छोड़ता नहीं है। दोस्तों, ये बात है उस समय की जब मूसा अपनी मौत के करीब था, तब मूसा ने यहोशू से इस बात को कहा कि अब जो कार्यभार मेरे कंधों पर था, जो कार्य मैं कर रहा था, अब से यहोशू तू इस कार्य को करेगा, क्योंकि अब तू इसराइलियों को कनान देश लेकर के जाएगा और उन्हें कनान का अधिकारी बनाएगा। अब परमेश्वर तेरे संग में रहेगा, अब परमेश्वर तेरे आगे आगे रहेगा। जिस प्रकार से परमेश्वर मेरे संग में रहा, उसी प्रकार से परमेश्वर अब तेरे संग में रहेगा। तेरे आगे आगे चलने वाला अब परमेश्वर है। Yes. वो तुझे कभी भी धोखा न देगा और कभी भी न छोड़ेगा। Yes. इसलिए तेरा मन कच्चा न हो, तू डरना नहीं, इस कार्यभार को ले और इसराइलियों की अगुवाई कर। और फिर यहोशू ने पूरे इसराइलियों की अगुवाई की और उन्हें वो उस जंगल से उन्हें कनान देश लेकर के आया और उसके बाद परमेश्वर यहोशू के संग में रहा जैसे वो मूसा के संग में था। फिर उसने यहोशू से बात करना शुरू किया, फिर यहोशू की अगुवाई करना शुरू किया, फिर यहोशू के साथ में परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया। हाँ मेरे प्रियो, और आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है कि तेरा आगे आगे चलने वाला परमेश्वर यहोवा है, वो तुझे कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी धोखा नहीं देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। मेरे प्रियो, हो सकता है आप इस समय डर रहे हो किसी बात को देखकर, आपका मन घबरा रहा हो किसी बात को सोचकर, परंतु परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपसे कहता है कि मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि तेरा संग संग चलने वाला परमेश्वर यहोवा है। मेरे प्रियो, हो सकता है लोगों ने आपको धोखा दिया हो, लोगों ने आपको छोड़ दिया हो, आप अधूरे में छूट गए हो, कोई आपका सहायक ना हो, आप अकेले हो, परंतु परमेश्वर का वचन आज सुबह में कहता है कि मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा और कभी भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। Yes. मैं तेरे संग संग रहूंगा, तेरा आगे आगे चलने वाला परमेश्वर यहोवा है। Yes.
हो सकता है आपका कोई सहायक न हो, परंतु परमेश्वर आपका सहायक है। इसलिए मेरे प्रियों, आप बिल्कुल भी न डरें, प्रभु आपके साथ में हैं। आज के दिन में आप जो कुछ भी काम करने जा रहे हैं, जहां भी आप जा रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं या फिर आप प्लान कर रहे हैं, आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा परमेश्वर आपके साथ में है। yes. आपके आगे आगे चलने के लिए परमेश्वर आपके साथ में है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा की अगुवाई की, यहोशू की अगुवाई की, उसी प्रकार से परमेश्वर आपकी भी अगुवाई yes. करेगा Hallelujah. और आपके साथ में रहेगा। Amen. इसलिए आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, आपका मन व्याकुल ना हो, आप परेशान ना हो, प्रार्थना करें, विश्वास में बने रहें। प्रभु आपके संग में है, वो आपको कभी भी धोखा ना देगा और कभी भी छोड़ेगा नहीं, वो आपके संग संग में बना रहेगा। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुकाकर परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे पवित्र अति पवित्र प्रभु यीशु, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्यारे प्रभु जी। आज की शाम, आज के सुबह में परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि ये सुबह आपने हमारे जीवनों में दी है प्रभु। हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं प्रभु। रात भर में आपने मीठी और सुकून भरी नींद देकर पिता आज का नया दिन हम सबके जीवनों में दिया है, ताकि इस दिन में प्रभु हम आपके नाम की महिमा करें, आपके नाम की प्रशंसा और तारीफ करें पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर हम सबको ये दिन दिखाने के लिए प्रभु जी। पिता न जाने कितने लोग थे प्रभु जिन्होंने आज के दिन को नहीं देखा पिता। प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम सब तेरे अनुग्रह से जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं और तेरी भलाइयों को अपने जीवन में देख रहे हैं। खुदावन तेरा धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। सच में प्रभु तेरी सामर्थ्य के लिए धन्यवाद कि तू प्रतिदिन हमें अपनी सामर्थ्य से भरता है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु कि तू हमें हर दिन दृढ़ करता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु कि तो अपनी आत्मा से हमारी अगुवाई करता है पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट आपकी प्रेजेंस के लिए कि आज के दिन भर में आप हमारी अगुवाई करने के लिए हमारे साथ में हैं। होली स्पिरिट हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज के दिन में परमेश्वर हम सब भाई बहनों के संग में प्रभु तेरी पाक उपस्थिति बनी रहे। हम जो कुछ भी आज के दिन में करें पिता, वो सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा के लिए हो और तेरी अगुवाई में होकर हम उस काम को करने पाए लॉर्ड। प्यारे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए पिता जो आज की सुबह प्रभु जी हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है खुदावन। उन सबको अपनी पाक रूह से भर दे पिता, अपनी उपस्थिति से भर दे प्रभु जी। और प्रार्थना करते प्रभु होने दे प्रभु तेरा आत्मा उन्हें आज के दिन में गाइड करे प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भर दीजिए प्रभु जी। अच्छा स्वास्थ्य आज के दिन में आप इन भाई बहनों को दीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु स्वस्थ और भले चंगे रहकर ये जो कुछ भी काम करे पिता सिर्फ और सिर्फ तुझे तारीफ और महिमा दे सके प्यारे परमेश्वर। प्यारे खुदा आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। सच में आपका वचन हमें उत्साहित करता है प्रभु। तेरा वचन हमें प्रभु ढाढ़स देता है प्रभु जी। हाँ प्रभु कि तू हमारे आगे आगे चलने वाला प्रभु है खुदावन। जिस प्रकार मेरे यीशु राजा हमने सुना कि तू मूसा के संग मूसा के आगे आगे चला प्रभु जी, तू यहोशू के आगे आगे चला प्रभु जी, प्रभु उन्हें गाइड करने के लिए, उनकी अगुवाई करने के लिए। उसी प्रकार यीशु मसीह हम सब तेरी संतान है खुदावन, तुझ पर विश्वास करते प्रभु हम सब के आगे आगे आप चले मेरे खुदावन। हाँ पिता इस भाई के आगे आगे, इस बहन के आगे आगे, अपने लोगों के आगे आगे आप चले मेरे खुदावन, ताकि प्रभु इनका हृदय कच्चा ना हो, ये दृढ़ता से चलने पाए और किसी भी बात को लेकर डरने ना पाए परमेश्वर। आज की सुबह में आप इनके मन को दृढ़ करें प्रभु, इनका मन कच्चा ना हो मेरे पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन यीशु मसीह, यदि प्रभु ये अपने जीवन सफर में अकेले हैं खुदावन, कोई भी इनका सहायक नहीं, परंतु प्रभु आज तेरा वचन हम इस बात से उत्साहित करता है खुदा कि तू हमारे आगे आगे चलने वाला, हमारे साथ में हमारा सहायक है। हाँ प्रभु, हाँ इस के संग में आप हैं पिता, इस बहन के संग में आप हैं जिनका सहारा कोई नहीं पिता, उनका सहारा आप है खुदावन। धन्यवाद करते हैं प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो अपने जीवन में अकेले हैं खुदावन, आप उनके संग में होइए, उनके आगे आप चले मेरे खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनके काम काफी समय से प्रभु बिगड़े हुए, प्रभु उनके कामों को सफल करने के लिए आप उनके आगे आगे चले खुदा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो योजनाएं ये भाई बहन बनाते हैं प्रभु, उन योजनाओं को पूरा करने के लिए आप इनके आगे आगे चले पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु
प्रभु जी, इनको प्रभु हर एक नुकसान से, हर एक मुसीबत से आप इन्हें बचाएं प्रभु। यदि आज इनके जीवन में कोई भी संकट, मुसीबत और विपत्ति आए प्रभु, इनका मन कच्चा जिन इन बातों के लिए है पिता, हम प्रार्थना करते वो संकट, मुसीबत, विपत्तियां इनके जीवनों से चली जाएं यीशु के नाम से। मेरे प्रभु आज की सुबह में जो बीमार है मेरे प्रभु जी, प्रभु जिस भी बीमारी से ये ग्रसित है पिता, यीशु के नाम से उन बीमारियों को हम यीशु राजा के सामर्थ्य नाम से डांटते हैं और कहते हैं इनके शरीर से निकल जाओ यीशु के नाम से। प्रभु इनका शरीर उस बीमारी से आजाद हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये चंगे हो जाए, ये भाई, ये बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग चंगे हो जाए यीशु के नाम से। हो प्रभु जो हॉस्पिटल्स में खुदावन, यीशु मसीह जो अपने परिजनों के लिए, उनकी बीमारी के लिए हमारे साथ प्रार्थना कर रहे लॉर्ड, उनके परिजनों को आप छू लीजिए इसी समय। राइट नाउ आई अनाउंस द हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आप उन्हें छू लीजिए प्रभु, हॉस्पिटल्स में प्रभु है मेरे पिता, आप उन्हें छू लीजिए। जो आईसीयू में है प्रभु, उन्हें आप छू लीजिए प्रभु जी, और उन्हें चंगा करके, भला चंगा करके आप उन्हें घर वापस लाए मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु जी, कोई भी बीमारी इनके शरीरों में ना रहे पिता, आप इन्हें चंगा करें पिता। धन्यवाद करते पिता, आपने इन्हें छुआ और चंगा किया परमेश्वर। प्रभु आज की सुबह में प्रभु इनके सारे कामों को सफल आप करें मेरे खुदावन। मेरे प्रभु जी आज के दिन में जो योजना इन्होंने बनाई है पिता, उस योजना को आप सफल करें खुदावन यीशु मसीह। मेरे प्रभु आज के दिन में हर एक दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से आप इन्हें बचाएं मेरे प्रभु, विशेषकर इस ठंड के मौसम में और कोरोना वायरस से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें पिता परमेश्वर। आपके लहू के बारे में, आपके स्वर्गदूतों के पहरे में इन भाई बहनों को और इनके परिवार को रखते हैं खुदा, और कहते प्रभु इन सब की आप हिफाजत करें। जिन भाई बहनों ने पिता आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपने दान को दिया है पिता, हम उनके लिए प्रभु आपकी अपरंपार आशीषों को मांगते हैं खुदा। प्रभु आप उन्हें 100 गुना मल्टीप्लाई करके रिटर्न उनके जीवन में करें खुदा। किसी भी भली वस्तु की घटी प्रभु आपके बेटे बेटियों को, उनके परिवार में किसी भी जन को होने ना पाए पिता परमेश्वर। खुदा उनके खत्ते सदा के लिए भरे रहें और आशीषों से प्रभु उनका घर प्रभु जी खुशियों से, आनंद से भर जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद उनकी कमाइयों पर आप आशीष दे, वो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, प्रभु डॉक्टर्स प्रभु दवाइयों में और किसी भी प्रभु गलत कामों में प्रभु इनकी कमाई न लगने पाए, परंतु आप इनकी कमाई पर आशीष दे प्रभु, ताकि ये खुद निश्चय उस कमाई को खाने पाए प्रभु जी। ऐसी आशीष आप इनके जीवनों में दे मेरे प्रभु। धन्यवाद करते खुदा, आज के पूरे दिन को मेरे अब्बा आपके हाथों में देते हैं पिता। आप अपने बेटे बेटियों की सुधि लीजिए, जो कमेंट्स हमें आज की सुबह में कर रहे हैं मेरे यीशु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु। वो आप पर आस लगाए हैं मेरे खुदावन, आप प्रभु उनकी सहायता करें, आप उनकी बीमारियों को दूर करें, आप उनके परिवार को जोड़े, आप उनके लिए इंतजाम करें प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने इनकी प्रार्थना का उत्तर दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमने जो कुछ भी आज आपसे मांगा है यीशु, उसे आपने सुना और ग्रहण किया, और प्रभु उसका उत्तर आपने हाँ और आमीन में दिया यीशु के नाम से। प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। So, दोस्तों हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ इस प्रार्थना में बने रहे। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीषित करेंगे। आप जरूर से अपने प्रार्थना निवेदनों को हमें भेजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।